आज की विश्वकर्मा जयंती समारोह की शुभ अवसर पे इस विभिन्न लोक कल्याण की कार्यक्रमों की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मेरे मित्र प्रदेश देश की वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, सूक्ष्म लघु उद्यम की राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, दूर संचार से जुड़े हुए देश की अनेक स्थानों में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की शुभ अवसर पे पूरी देशवासियों की ओर से, विश्वकर्मा समाज की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कामना करता हूँ। उनको दीर्घायु करें, सतायु करें, हमारे देश की मान मर्यादा और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अथक परिश्रमों जारी रखें। बहुत बहुत शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को परिवार मानते हैं, विश्व को एक का सूत्र में बांधने का उन्होंने बीड़ा उठाई है। मित्रों, अभी अभी सद्य समाप्त वैश्विक G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, और उसमें विशेष करके विश्व की वंचित वर्गों के बारे में चिंता करने की दायित्व लेने वाले हमारी नेतृत्व है, हमारी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर मैं आज जो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसके कार्यक्रम के बारे में आदरणीय राणे जी विस्तार से बता ही रहे थे, मित्रों मैं अगर उसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में कहूँगा, 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। और 15 अगस्त 2014 में, और मैं आज 2023 सितंबर 17 विश्वकर्मा जयंती को अगर इस 9.5 साल के फासले को देखता हूं, जनधन की खाता खुले तब देश के लोगों ने, देश के अंदर कुछ लोगों ने टिक्का किया, ये खाता खुलने से क्या होगा। लेकिन मित्रों, आज याद आती है, वो बात याद आती है, आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों की खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा या रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विश्वास सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर समावेशी चरित्र दिखती है, सामाजिक न्याय दिखती है, और विशेष करके कभी कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी को अवसर मिला यशो भूमि को लोकार्पण करने के लिए, किसको उन्होंने न्योता दिया? समाज के जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, वो मूर्तिकार हो, मालाकार हो, चर्मकार हो, लोहार हो, सोनार हो, धोबी की भाई बहन हो या नाई भाई बहन हो। और आज तो प्रदर्शनी में हमने देखा देश आगे बढ़ रहा है, देश की बेटी आज परंपरागत काम पे नई प्रयास कर रहा है, इस सबको आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए उन्होंने भुला नहीं इस वंचित वर्गों को आज साथ में लेने के लिए। मित्रों, अगर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और विश्व में आने वाले 2-3 साल के अंदर तीन के अंदर एक भारत की अर्थनीति को पहुंचाना है, तब हमारी श्रमजीवियों को बिना सम्मान किए, बिना महत्व दिए ये संभव नहीं। इसकी मूल मंत्र और इसकी मूल प्रेरणा आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सारे भाई और बहनों को सिर्फ चयन नहीं किया जाएगा, उनकी
₹500 पगार के साथ 5 दिन की प्रशिक्षण होगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको एक कार्ड मिलेगा, उनको ऋण दिया जाएगा, उनकी उत्पादित चीजों को, उनकी सेवाओं को वैश्विक स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो व्यवसायिक ढांचे में डाला जाएगा। ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज लोकार्पण हो रहा है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली है ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लोकार्पण की हम साक्षी बन रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। मैं फिर देश की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से सामाजिक न्याय को एक कदम आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।